नरकटियागंज प्रखंड कृषि कार्यालय में न तो अधिकारी का पता चल रहा और न ही किसी कर्मी का। कर्मी मनमानी ढंग से कार्यालय आ जा रहे हैं। बुधवार को प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सह पुरैनिया हरसरी के मुखिया अजीत कुमार दुबे उर्फ बाला दुबे के साथ कई पंचायतों के किसान कृषि कार्यालय पहुंचे थे। पूर्वान 11 बजे तक कार्यालय का कक्ष बंद रहने और कर्मियों के अनुपस्थित रहने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। संघ के अध्यक्ष श्री दुबे ने कहा कि कृषि कार्यालय में कर्मियों की मनमानी बढ़ गई है। अगर 11 बजे तक कर्मी गायब रहेंगे तो किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा। वहीं सुगौली, रोआरी, मठिया, हरसरी, मलदहिया समेत कई गांवों से पहुंचे किसानों ने भी आक्रोश जताया है। मामले में प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्रीकांत ठाकुर ने बताया कि क्रॉप कटिंग को लेकर पंचायत में निरीक्षण था। कुछ कर्मी किसान चौपाल में गए थे, अन्य कर्मी कृषि कार्यालय के ऊपरी तल पर थे। मेरे पंचायत का समस्या था कि लोगों को बीज नहीं मिल रहा था। हम आए कार्यालय में तो अभी तक 11 बजे नहीं जा रहा है, अभी तक तालाबंदी है। कोई नहीं अधिकारी आया है, नहीं कोई कर्मचारी आया है। एक प्यून आए हैं जो दरवाजा खोल कर खड़े हैं। आदमी दीवार से तो बात नहीं कर सकता है। इसमें अधिकारी को तो रहना जरूरी है। आई अपने मनमाना ढंग से बीज वितरण करते हैं। दलालों के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा ये लोग बीज वितरण करवाते हैं और उगाई करवाते हैं पैसा का। आप लोगों की कहाँ आए हुए थे? आए हुए थे हम लोग गेहूं के बीज लेने के लिए, बट कार्यालय अभी तक बंद है। सिर्फ प्यून साहब आए हुए हैं, उन्होंने कार्यालय खोला हुआ है। पदाधिकारी पास मैंने कॉल किया, कोई रिप्लाई उधर से नहीं मिल रहा है। और दो तीन रोज पहले भी आए थे तो पता चला कि यहाँ गेहूं के स्टॉक खत्म है। और आज का दिन बताया गया था कि आप उस दिन आइए, आपको गेहूं मिलेगा, लेकिन आने के बाद किसी का पता नहीं है। फोन जो नंबर दिया है उस नंबर पर कॉल करने के बाद कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। यही हमारी समस्या है।